आज हम फिर से आ गए हैं रेड शैडो की वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए जो लेके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम करने वाले हैं बात एक बहुत ही कमाल के रिवाइवर की। आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट रिवाइवर के अंदर टॉप फाइव के अंदर या आई थिंक टॉप टू थ्री के अंदर भी आती होगी। काफी ज्यादा कमाल का जिमिनी, उसकी किट तो और भी ज्यादा बढ़िया है। जी हाँ, वो है हमारी रेगलिन। काफी टाइम पहले से मेरे पास ये चैंपियन है। इसको मैंने बिल्ड तो कर दिया था, पर इसको मैंने अभी कल ही रिसेंटली इसकी मास्टरीज करी है, तभी सोचा कि पूरी वीडियो इसको बनाए। तो ये मैंने इसके ऊपर लगा रखा है शील्ड सेट। इसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता, एरिना के लिए मैंने बनाया था, पर मैं एरिना के अंदर यूज नहीं करता। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और बेटर बिल्ड कर सकता हूँ, पर ऑलरेडी काफी अच्छी जो है मेरी बिल्ड बनी हुई है, तो इससे ही मेरा अच्छा काम चल रहा है। मैं सेट को तोड़ना नहीं चाहता। तो सपोर्ट चैंपियन है, बहुत तगड़ा रिवाइवर है, और बफ रिमूव करने वाला, हीलिंग करने वाला, टर्न मीटर के लिए बहुत ही बढ़िया चैंपियन। अगर आप इसकी रेटिंग भी देखें तो हर जगह आप देखेंगे ऑलमोस्ट 4.7 से ऊपर ही है। एक जगह ही काफी स्पाइडर के अंदर, बस क्योंकि स्पाइडर के अंदर काफी स्पेसिफिक चैंपियन चाहिए होते हैं आपको, तो इसलिए स्पाइडर के अंदर नहीं, पर बाकी आप हर जगह ही देखिए सबसे रेटिंग बहुत ही ज्यादा ऊपर है। तो क्या करती है रेगलिन? वॉइड है बैनर लॉर्ड्स की, तो वॉइड चैंपियन है, तो ऑलरेडी वॉइड चैंपियन के हिसाब से एकदम खरी उतर रही। कुछ चैंपियन है जो वॉइड के थोड़े से वॉइड के लेवल के नहीं है, पर ये जेन्युइनली एकदम टॉप टीयर चैंपियन है। तो क्या करती है, अटैक वन एनिमी थ्री टाइम्स, फिल्स द टर्मिटर ऑफ थ्री रैंडम एलाई। तो तीन रैंडम एलाई, अगर आपकी टीम में चार प्लेयर्स हैं एरिना के अंदर, तो तीनों के तीनों एलाईज का टर्मिटर 15% बढ़ जाएगा। एलाईज कैन ओनली हैव द टर्मिटर फिल्ड वंस पर यूज बाय। तो हर स्किल के अंदर भाई साहब ये अपना टर्मिटर, जब भी अपनी A1 चलेगी उनका टर्मिटर जो है बढ़ता रहेगा। तो इसकी स्पीड अगर आप अच्छी रखेंगे तो आपकी जो है जल्दी जल्दी से आपका टर्न मीटर भी बढ़ता रहेगा, तो उससे क्या होगा आपकी टर्न भी जल्दी आएगी। तो क्या है नेक्स्ट स्किल देखेंगे तो और भी ज्यादा कमाल के, रिमूव ऑल डिबफ्स। तो जितने भी आपके पास डिबफ्स हैं, डिक्रीज अटैक, डिक्रीज अटैक, फियर टू फियर, प्रोवोक, स्टन, सब कुछ कर देगी रिमूव, देन हील करेगी। अमाउंट ऑफ हील प्रोपोर्शनल होगा इसके अटैक से। अरे तुम्हारे पहली बार नोटिस किया है। तो इसका अटैक काफी डैमेज चैंपियन नहीं है, तो यूजुअली लोग उसको बिल्ड करते हैं क्या कहते हैं भाई साहब, अभी मैं चेक कर ही लूंगा आपके सामने, चेक करता हूँ, अच्छी बात है। तो इसका अटैक यूजुअली लोग रहेंगे ताकि ये ज्यादा टाइम जिंदा रहे, तो इसलिए अटैक ज्यादा टाइम लोग भड़ा के नहीं बनाते इसको। तो मैंने भी इस तरीके की बिल्ड बनाई है, अगर आप देख सकते हैं तो शील्ड सेट है, एचपी है, थोड़ा बहुत डिफेंस है, बहुत बढ़िया। अगर बताऊं तो मेरी टॉप टीयर बिल्ड में नहीं आती है, ठीक ठाक बिल्ड है। और रेजिस्टेंस मैंने इसकी रखी है रिसेंट रखिए, ताकि जो है बॉस वगैरह की स्टेजिंग में यूज कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर डीबफ वगैरह है, पॉइजन वगैरह हैं, वो सब प्रोवोक वगैरह हेटर बॉस के अंदर होता है, तो वो सब जो है इसके अंदर आप जो है वो इसके ऊपर लैंड ना हो पाए। स्किल देखें तो आई थिंक A1 के अलावा सारी की सारी बुक्स आप इस पर यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा बुक्स इसको नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपके बुक्स हैं तो आप डेफिनेटली इसको बुक कर सकते हैं, स्पेशली इसकी जो A3 है भाई, दो टर्न पे रिवाइव विथ फुल टर्न मीटर। भाई साहब फुल टर्न मीटर पे, वो भी 75% HP बहुत ज्यादा होती है, और हर सेकंड टर्न में जल्दी जल्दी इसकी स्पीड होगी और उतनी जल्दी इसकी टर्न आएगी। भाई साहब बहुत ही बढ़िया रिवाइव, आई थिंक सबसे फास्ट रिवाइव यही करती है। बाकी 3 टर्न 4 टर्न कूल डाउन पे है हमारे कई सारे रिवाइवर्स, आई थिंक बहुत बढ़िया रिवाइव करती है। और साथ साथ डिफेंस इन ऑल बैटल 33%, जो कि सबसे ज्यादा डिफेंस होता है 33%, ये भी टॉप टीयर। और टॉप टीयर रिवाइव, टॉप टीयर बफ रिमूवर, हीलिंग टॉप टीयर, और साथ ही साथ टर्न मीटर के लिए भी। आइए दिखाता हूँ इसकी मास्टरीज। तो ये मैंने मास्टरी यूज करी है, अगर आप क्लैन बॉस के अंदर स्पेशली यूज करना चाहते हैं तो आई थिंक आप सीधा यहाँ जाइए वॉर मास्टर, सॉरी हेल्थ फ्रेशर के, सॉरी जायंट लेयर के साथ, तो कि आपको उसकी बार बार टर्न 3 बार अटैक करती है, तो हेल्थ जायंट स्लेयर के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। बाकी जो है नॉर्मल मैंने डिफेंसिव और सपोर्ट यूज किया है, सपोर्ट से किया है क्योंकि क्योंकि हील करती है, और हील के लिए आपको काफी सारी यहाँ पे मास्टरीज है। साथ पे जाता हूँ और यार रात का टाइम है, नींद हो रही है। इंक्रीज चैंपियन टर्न मीटर 20% व्हेनेवर एलाई हीरो एचपी ड्रॉप। तो अगर कोई जल्दी से हिट करता है बॉस काफी ज्यादा हार्ड, तो आपकी सारे के सारे एलाईज की एचपी एक साथ ही लो होती है एओई अटैक्स के अंदर, तो इसका टर्न मीटर जो है बढ़ता है 20% है पर एलाई के ऊपर,
तो भैया अगर 5 एलायज होंगे ग्लेन बॉस के अंदर, तो जैसे ही उनको हिट करेगा एकदम से इसकी टर्न आ जाएगी और एकदम से हील करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। साथ साथ कोई आपका एलाय मर भी जाए तो उसको भी रिवाइव करती है, तो बहुत ही बढ़िया वाली स्किल है। साथ ही साथ रेट्रीब्यूशन लिया है, काउंटर अटैक करती है ताकि काउंटर अटैक करेगी तो भैया टर्न मीटर अपने एलायस का बूस्ट होगा। बाकी ज्यादा इतना खास नहीं है, एक बस खाली यही खास है, डिक्रीज द डैमेज रिसीव बाय चैंपियन बाय 8% व्हेनेवर, जब भी वो क्रिटिकल से कोई हिट करता है तो रीना के अंदर काफी ज्यादा यूजफुल रहती है, क्योंकि रीना में क्रिटिकल हिट से ही आपको मोस्टली डैमेज होता है, तो आप जो है ये वाला यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो सीधा सीधा यहाँ से जायंट स्लेयर पे जा सकते हैं, नहीं वॉर मास्टर भी जा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जायंट स्लेयर थोड़ा बेटर रहेगा। तो क्या ये इसको यूज करके देखते हैं और हील देखते हैं कितना करती है। तो भैया मैं जाता हूँ कांगे भाई, 1 मिनट चलिए डूम टावर में जाके चेक करते हैं एंड देखते हैं कितनी हील प्रोवाइड करती। थोड़ी थोड़ी हार्ड स्टेज देखता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओके तो ये वाली कौन सी स्टेज है? हाँ तो हमें तो खाली हील चेक करनी है ना, तो ठीक है ओके। रेगलिन ली और हम साथ में लेते हैं कुछ ऐसी नॉर्मल चैंपियन ले लेते हैं, वीक निंजा करो। तो ये हमने टीम अपनी चूज करी है, आइए जब वो एनिमी हमें अटैक करेगा तो आइए इसको हील देखते हैं कैसे हील करती है। साथ में जो मैंने मास्टरी 20 की चूज करी है, जल्दी से टर्न मीटर आए वो भी काफी बढ़िया रहेगी। तो चलो आइए जल्दी से आ जा भाई, एक तो बहुत देर से गेम अगर आपकी ऑन हो तो गेम को आपको पता ही है यार बिल्कुल स्लो हो जाती है। चल भाई चल, और साथ देख सकते हैं शील्ड सेट के ऊपर है तो ये सबको बढ़िया सी शील्ड भी दे रखी है, तो शील्ड सेट की बात हमें करनी नहीं है। तो देख सकते हैं हमारे एलाय मर गए हैं, और अगर हम देखें तो यहाँ हमारे रोटोस की एचपी काफी ज्यादा लो है। आइए देखते हैं कितना हील करती है, 1200 के आसपास हील करी है। जैसे कि हमने चेक करा था कि इसकी अटैक के हिसाब से इसका जो है हील होता है, तो आइए वो भी हम देखेंगे। अभी मैं इसका जो है चेंज करूंगा और देखूंगा कितना हील करती है। चेंज करने के लिए हमें कैंपेन के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा एलाय मर गया, और फटैक से जो है हम अपने कोई भी एलाय को जिंदा कर सकते हैं। वो बात अलग है, सामने वाले के पास लीडिया थी, पर चलिए कोई बात नहीं। और ये देखिए काफी ज्यादा बढ़िया चैंपियन है और जल्दी से इसका टर्न मीटर जो है आता रहेगा। अपना टर्न मीटर भी इंक्रीज कर सकती है अगर आपके बाकी एलाय जो है वो मरे हुए हों, या देखेंगे इसका टर्न मीटर भी बढ़े जा रहा है। और ये देखिए स्किल जो है आई थिंक मेरे को लगता नहीं मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा, क्या हो गया भाई। चलो और ये देखिए फिर से इसकी बारी आ गई है और भाई साहब मर गई है, बात अलग है। हमने खाली रिवाइव देखना था और हील देखना था। अब मुझे एक और चीज चेक करनी है कि कितनी ज्यादा हीलिंग करती है और कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं स्पेशली हाइड्रा बॉस के अंदर, डूम टावर के अंदर, और अगर आप देखें तो अगर नेदर स्पाइडर देखेंगे तो शायद मेरी इस वाली टीम के अंदर होगी। यहाँ पे देखेंगे आप जो है मेरे पास हील करने वाली और रिमूव बफ करने वाली ये ही चैंपियन है। तो यार ये बैटल थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा नीचे वाले जो है नेदर स्पाइडर पे जाके देख लिया, यहाँ हम कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल मैं अपनी टीम को यूज करता हूँ, और नेदर स्पाइडर आपको क्या करता है कि आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा जो है लगाती है पॉइजन्स, और उन पॉइजन से बचने का कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि आप उनको रिजिस्ट नहीं कर सकते। तो आप जो है यहाँ पे कोई आपको ब्लॉक बफ करने वाला या फिर आपको कोई ऐसे चैंपियन दे जो आपके जो है डीबफ वगैरह सबको रिमूव करे, तो जल्दी बॉस तक पहुंच जाते हैं। तो ये हम नेदर स्पाइडर के पास पहुंच गए हैं और ये जो है आप देख ही सकते हैं खूब सारा जो है हमारे ऊपर लगा दिया इसने पॉइजन, और जैसे ही देखेंगे सारे के सारे पॉइजन इसने कर दिए हैं रिमूव। ऐसा ही हो सकता है, और अगर आपका तो कोई वीक चैंपियन भी हो, जैसे कि अगर आगे वाली स्टेजेस पे जाते हैं डूम टावर हार्ड की, आपको पता है कितना ज्यादा हार्ड हिट करते हैं। ऐसा नॉर्मल वाले में भी कर सकते हैं, पर मैं ऑलरेडी गेम के अंदर काफी आगे पहुंच चुका हूँ तो नॉर्मल के अंदर मैं नहीं दिखाऊंगा। पर आप जो है अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैंपियन नहीं है और आपके पास रेगलिन है तो नॉर्मल वाली स्टेजेस के अंदर तो आपको और भी ज्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि जल्दी जल्दी से रिवाइव करेगी। अगर आप मास्टरी करेंगे तो जल्दी से आपकी टर्न आएगी, स्पीड अगर आप अच्छी रखेंगे तो जल्दी से आपका जो है टर्न मीटर भी बूस्ट होता रहेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो आई थिंक मेरा कोई एलाय जो है यहाँ पे मरेगा नहीं, क्योंकि मेरे चैंपियंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं कोई और वीक चैंपियन लेता हूँ यहाँ पे तो कोई भी मर जाएगा भाई साहब, उसको जल्दी से रिवाइव कर देगी। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया जो है आपको यहाँ पे हेल्प करती है पॉइजन रिमूव करने के लिए। आई थिंक आप नॉर्मल स्पाइडर के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं डंजन्स के अंदर, क्योंकि वो भी हमारे पर लगाती है पॉइजन्स पर वो ब्लॉक नहीं करती, तो आपको बहुत ज्यादा टैंकी बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको जल्दी से स्टेजेस को क्रॉस करना हो बस,
नॉर्मल स्पीड रन आप नहीं कर पाएंगे स्पाइडर के अंदर, पर आप नेदर स्पाइडर के देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आया बस मरने वाला, यहाँ देखेंगे मरने से पहले उनको सबको हील कर दिया है। ये और जगह इसको चेस करके देखते हैं कितना हील करती है एक बार। अभी मैंने इसकी आई थिंक एचपी हमारी चेस्ट लगी हुई है, अब मैं लगाऊंगा इसके अंदर अटैक की चेस्ट जस्ट चेक करने के लिए कि भैया कितना हमें मिलता है हील। तो यहाँ चलते हैं 12-3, चलो यार 12-3 करते हैं। तो ये हमारे जो हैं चैंपियंस हैं, हमने ली रेगलिन और कुछ ऐसे चैंपियन लेते हैं जो जल्दी मरे भी नहीं और काम भी उनका बढ़िया हो जाए। आई थिंक ये तीनों ठीक है। चलो डैमेज बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करती, ठीक ठाक करती है, तो वैसे ही इसके बाद डैमेज का कोई फायदा है नहीं क्योंकि A1 पे ही करती है और 3 बार करती है। तो आइए देखते हैं भाई, जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पे पहले इनको अटैक किया भाई, देखते हैं, देखिए जल्दी से इनकी मैंने स्पीड अच्छी रखी है तो इसकी बारी ही आ जा रही है। यहाँ जल्दी से इसको हटाओ ताकि ये लोग मुझे करें अटैक। चल भाई जल्दी से अटैक करो। अरे इन्होंने तो शील्ड सेट लगा रखा है, ओ माय गॉड। जब तो शील्ड सेट होगा तो इनका वैसे डैमेज ही नहीं होगा। ओहो हो, ये तो काफी ज्यादा दिक्कत हो गई। अच्छा शील्ड का सेट हमें हटाना ही पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। चल भाई जल्दी चल, अगर ये हमारा काम नहीं हुआ तो हमें शील्ड का सेट जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। शील्ड का रिमूव करके ही आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि तो शील्ड, जब तक शील्ड का डैमेज खत्म नहीं होता तब तक भाई इसका काम हम नहीं कर सकते। तो अभी इसको हम लगाते हैं और सेट को कर देते हैं ब्रेक, और इसको कर दो भाई साहब रिमूव। हमारा शील्ड सेट नहीं होना चाहिए। और अरे यार क्या इतनी स्लो हो गई है गेम यार, बड़ी दुखी करते हैं यार ये लोग। देखो बार बार गेम को रीस्टार्ट करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा हैंडल कर लेता हूँ स्लो को। चलो भाई जल्दी आओ। सो आई थिंक अब जो है हमारी बारी जल्दी से आ जानी चाहिए। अब ये लोग जब हमें अटैक करेंगे तो आप देखेंगे कितना ज्यादा हील करती है। फिर उसके बाद मैं अटैक परसेंटेज की जो है चेस्ट लगा के देखूंगा तो भैया हम देखेंगे कितना डैमेज जो है हमें मिलता है। तो यहाँ देखेंगे हमारा एलआई मर गए हैं और अभी हील देखते हैं कितना हील करती है सेम एलआई के ऊपर। एंड 11,000 हमारी हील हुई है। साथ साथ देखें बड़ा इसको रिवाइव भी कर सकते हैं, उसका टर्न मीटर भी हमारा बूस्टेड है तो जल्दी से उसकी टर्न आने की जो आपके एलाइज होते हैं उनका काफी ज्यादा रहता है। इस वाली बैटल को करते हैं ओवर। अब मैं लगाता हूँ कितनी हमारी, अगर मैं अटैक के हिसाब से इसकी हीलिंग होती है तो कितनी आप जो है यहाँ पे हीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम जाते हैं इसके ऊपर, इस पे लगाते हैं अटैक परसेंटेज की चेस फिल्टर, अटैक परसेंटेज एंड कोई बढ़िया सा है या आई थिंक इसका 700 अटैक जो है बढ़ गया है, इस वाले को बाद में रिमूव कर दूंगा, बात अलग है। चलिए आइए अब फिर से फाइनल टेस्ट करके देखते हैं इसकी और फिर इस वीडियो को करते हैं खत्म। तो वापिस आ गए स्टेज के बाद, अब देखते हैं कितना हमें हील मिलने, लास्ट टाइम 11,200 के आसपास आई थिंक डैमेज मिला, सॉरी हीलिंग मिली थी। अब देखते हैं हील हमारी बढ़ती है कि नहीं। जी हाँ हमारी हील एटलीस्ट 4,000 बढ़ गई है, हमने 700 जो है के आसपास अपना अटैक बनाया। तो अगर आप इसका अटैक ज्यादा रखते हैं, अगर आप जल्दी से मर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी चेस्ट वगैरह जो है उनको आप एचपी या डिफेंस ही रखिए, और जो आपके बैनर्स हैं और ये सब एमुलेट वगैरह है कांगे वही ये रहा, इनको आप कर सकते हैं अटैक। इसके अंदर भी सबसेट के अंदर आप अटैक भर सकते हैं ताकि क्या होगा कि आपका जो है चैंपियन जल्दी से मरेगा नहीं क्योंकि एनिमी जो है काफी ज्यादा हिट हार्ड करते हैं, तो इससे क्या होगा आपके पास हीलिंग भी बढ़िया रहेगी और आपके पास जो है एचपी और डिफेंस भी आपका बढ़िया बना रहेगा ताकि जो है आपको जल्दी से आपको हीलिंग मिल जाए। तो दोस्तों ये था हमारा रेगलिन का बिल्ड, और अगर आपको बताऊं कैसे आपको बिल्ड करना है, प्रेफर रहेगा रेजिस्टेंस आप रखिए ताकि आपके ऊपर कोई डीबफ ना लैंड कर पाए, स्पीड आपको थोड़ी रखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो आप ज्यादा अटैक भी रख सकते हैं ताकि आपको जल्दी से हीलिंग प्रोवाइड करनी पड़े। बाकी बहुत ज्यादा इसको बिल्ड करना मुश्किल नहीं क्योंकि कोई भी डिबफ वगैरह लैंड नहीं करती, तो आपको एक्यूरेसी की ज्यादा टेंशन नहीं, जहाँ थोड़ी सी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी ताकि ये जल्दी से आप रिवाइव कर पाए। और डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आप इसको बुक कीजिए। दोस्तों आई थिंक अभी के लिए इतना ही, वीडियो को पसंद आया जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।